पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर होली पर रिलीज होने जा रही है और इसका ट्रेलर 2 दिन पहले YouTube पर आ गया है। पवन सिंह का क्रेज लोगों के बीच इतना है कि फिल्म के ट्रेलर को महज 48 घंटों में लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म होली पर रिलीज हो रही है और ट्रेलर 16 मार्च को जारी किया गया है। भोजपुरी सिनेमा में ऑडियंस तो केवल पोस्टर लग जाने पर अपने पसंदीदा हीरो की फिल्में देखने पहुंच जाते हैं। फिल्म का ट्रेलर देर से रिलीज होने का कारण इसे लेट मिलने वाला सेंसर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, क्योंकि फिल्म को 40 जगहों पर काट छाट करने के बाद भी ए मतलब व्यस्त सर्टिफिकेट मिला है, जिसे केवल 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के दर्शक ही देख सकते हैं। ये फिल्म के बिजनेस पर असर डाल सकता है। गौरतलब है कि होली पर दो और सुपरस्टार निरहुआ की शेरे हिंदुस्तान और खेसारी लाल की कुली नंबर 1 भी रिलीज होने वाली है, यानी तीनों सुपरस्टार की फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। आप ट्रेलर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में मार धाड़, एक्शन, रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी का भरपूर डोज मिलने वाला है। पवन सिंह अपनी सुरीली गायकी और रोबीली अंदाज के लिए मशहूर है। फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट निधि झा और संचिता है। फिल्म उपेंद्र कुशवाहा क्रिश्चियन के बैनर से बनी है और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार।